राज्य एक रहस्य। मैं सो रही थी, मैं सुबह मैं एकदम सिर में दर्द हुआ, मैं बेहोश हो गई। मम्मी ने देखे मेरी चोटी पर बार लगे हुए हैं। छोटी भाई लड़की बोली थी, मम्मी कटर की आवाज आ रही है, कटर की आवाज आ रही है, लाइट जला के देखो, लाइट जला के देखो, इसके पास को नहीं बेहोश थी खाली। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? सिर में खूब कैडो पकड़ के और मेरे खूब तेज दर्द हुए, खूब तेज दर्द हुए सिर में। मैंने तीन यार सन्नी मर के अरे मेरा सिर पाट गो भाई, पाट गो पति, बस इतनी आवाज है। फिर आज बस एक बार धड़कन सी बहुत देर फिर दिखन बंद हो गया बस। वो कोई भूत है या प्रेत? बाल के मतलब लंबे लंबे दांत है और चुतिया काटी है, पता परिधान हो के बांग्लादेश से छोड़े हुए आदमी। हाँ तांत्रिक। वो कोई सिर फिरा है या शैतान? मेरे ठीक पीछे ये गांव है, तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं। बाल कटना काटने की कई सारी घटनाएं आई और इस बात की पड़ताल करने के लिए कि जिन इलाकों में इस तरह से महिलाओं की चोटियां काटी गई हैं वहां पर रातों को क्या हाल है, क्या वाकई में लोग डरे हुए हैं, क्या सड़कों पर है, क्या घरों में छुपे हैं, आखिर गाँव के अंदर क्या हाल है, इसी की पड़ताल करने के लिए निकले हैं आधी रात। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, आज होगा खुलासा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये क्या हो रहा है? वो कौन है जो महिलाओं की चोटियां काटकर हर किसी को डरा रहा है? शिकार बनी ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि वो अदृश्य है, वो हवा की तरह आता है और तूफान की गति से चोटी काटकर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो कहीं भी कभी भी आ सकता है, चाहे कोई सात तालों में बंद ही क्यों ना हो, वो वहाँ भी आ जाता है और फिर महिलाओं की चोटी काट कर न जाने कहाँ गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वो एक भटकती हुई आत्मा है, कोई उसे भूत कहता है तो कोई उसे बुलाता है चुड़ैल। कोई कहता है चुड़ैल बिल्ली के भेष में आती है तो कोई कहता है बाबा के भेष में आता है भूत और महिलाओं की चोटियां काट कर भाग जाता है। तो क्या ये सच है? लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इस दुनिया में भूत प्रेत और चुड़ैल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वो कैसे महिलाओं की चोटियां काट सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खौफ की कहानी के पीछे कोई और ही कहानी हो? हो सकता है ये काम किसी सिरफिरे का हो, कोई सिरफिरा ही महिलाओं की चोटियां काट कर लोगों को डरा रहा हो। लेकिन वो है कौन, ये एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो दिनों दिन गहराता जा रहा है। कभी दिन के उजाले में तो कभी रात के अंधेरे में, कभी दिल्ली में तो कभी हरियाणा में, कभी यूपी में तो कभी राजस्थान में, वो कौन है जो काट रहा है महिलाओं की चोटियां? जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं रहस्य की ये कहानी भी गहराती जा रही है। लोग खौफ में डूबे हैं, दहशत इतना गहरा हो गया है कि आगरा में लोगों ने रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग महिला को चुड़ैल समझकर पीट पीट कर मार डाला। खौफ के मारे कहीं लोग रात रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं, तो कहीं इस संकट को दूर भगाने के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की चोटियां कटने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मथुरा, गुरुग्राम और हिसार से चोटी कटने की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाएं डरी हुई हैं और अब डर की इस कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। डर की इस कहानी में खुद को भुक्तभोगी बताने वाली महिला दिल्ली की है, कोई हरियाणा की तो कोई यूपी की। ये एक दूसरे से मिली नहीं है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है।
रिश्ता है तो एक जैसी डर की कहानी का, डर है चोटी कटने का, डर है गुमनाम साए का। डर की इस पूरी कहानी का सच क्या है, देखिए एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल में। एक रहस्य की बड़ी पड़ताल, अंधेरी गलियों में एबीपी न्यूज की टीम। किसने फैलाई यूपी में दहशत, और मेरे ठीक पीछे ये गांव है तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं। हरियाणा में खौफ के पीछे कौन, इसका सच पूरा क्या है यह भी सामने निकल के नहीं आया, लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर बैठा है कि लोग रातों को भी अपना जो सब कुछ पूरी सुरक्षा है घरों की वो देखते रहते हैं। दिल्ली वालों के डर का क्या है रहस्य। तो आज हम आए हैं रात 12:30 इस बात की पड़ताल करने के लिए कि गांव क्या क्या हाल है। आखिर कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, आज होगा खुलासा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के बाद देश के इन तीन राज्यों में खलबली मची है। यहाँ एक के बाद एक सामने आ रही हैं महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं। इन तीनों राज्यों में अलग अलग इलाकों में एक दर्जन से ज्यादा महिलाएं सुना चुकी हैं रहस्यमय ढंग से चोटी काटने के किस्से। ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत सो भयो तो हम बोले हमारे बाहर कहां गए, फिर हमने और देखी तो बार ही नहीं चुटिया फुटिया। तो वे दीदियों का सर दिखते कौन है, वे किसान है भी उसने दिखा से जिसकी चोटी कटे से। अच्छा अच्छा, फिर अरे बच्चे हैं घर में तो वो डर रहे हैं कि चोटी कट जाएगी, वो सिर में चादर बांध के लेटते हैं। लगातार महिलाओं की चोटियां कटने की वारदात से हर कोई दहशत में है, खौफ बढ़ता जा रहा है। किसी को लगता है कि ये शैतानी आत्मा का प्रकोप है, कोई इसे भूत की कारस्तानी बताता है, तो कोई इसे चुड़ैल का डरावना खेल बता रहा है, मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या है चोटी कांड का सच, इस सबसे बड़े रहस्य की तहकीकात के लिए एबीपी न्यूज की अलग अलग टीम रात के अंधेरे में उन इलाकों में पहुंची जहां हुई थी चोटी कटने की खौफनाक वारदात, और वहां जाकर जो हमने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। आखिर वो कौन है जो काट रहा है महिलाओं की चोटियां। इस सबसे बड़े रहस्य का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की कई टीमें एक साथ निकली। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह रात के वक्त मथुरा की सफर पर निकले। दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके रक्षित सिंह उस गांव में पहुंचे जहां एक महिला प्रेमवती ने चोटी कटने की आप बीती सुनाई थी। मथुरा के नगला शीशराम गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो वक्त हुआ था रात के करीब 12:30। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के गांव में भी फैला है चुड़ैलों का आतंक। क्या वाकई में गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं जो महिलाओं की चोटियां रात को काटकर ले जाती हैं? यही तफ्तीश करने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला शीशराम गांव में, और मेरे ठीक पीछे ये गांव है तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैले मौजूद हैं। आधी रात के वक्त
गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग नींद की आगोश में थे। हमारी टीम को गांव में देखकर लोगों की नींद टूट गई। हम यहां बुजुर्ग महिला प्रेमवती से बातचीत करने पहुंचे थे, जिन्होंने चोटी काटने वाली चुड़ैल का किस्सा सुनाकर पूरे गांव को दहशत में डाल रखा है। हमें उनके घर में कई ऐसी चीजें नजर आईं जो दिल में और ज्यादा दहशत भर रही थीं। घर की चौखट पर लटकता हुआ प्याज और महिलाओं के बाजू पर बंधे ताबीज देखकर हम हैरान रह गए। घर में प्याज क्यों लटकाया गया और महिलाओं के बाजू पर ये ताबीज के धागे क्यों बांधे गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बुजुर्ग महिला प्रेमवती की आप बीती भी सुन लेते हैं। प्रेमवती और उनके पूरे परिवार का दावा है कि प्रेमवती जब सो रही थी तभी एक साए ने आकर उनके बाल काट दिए। ऐसे पता चलो कि हम एकदम ऐसे चेत सो गए, तो हम बोले हमारे बाल कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बार ही नहीं छुटिया फुटिया। हम बोले मैंने ना सुनने का ना सुनने जगो मेरे तो मैंने एगो कबाड़ो। ये बोले काहे वो, मैंने मैं तो छुटिया ही ना बार निकले वो। ये बात है। उसके बाद क्या हुआ? मतलब एक झटका सो लगे और बिजली सी जुड़ी भैंस। फिर बेचैनी सी अवे लग पड़ी हमने शरीर में और ऐसे कछु। फिर तो होती गई, फिर चेत ही ना रहे, बोल सोई बंद है वो। फिर ऐसे गई, हमें तो 40 साल है गई, हमने तो कोई देखी ना, पहली बार को झटका हो जी। प्रेमवती का परिवार बेहद डरा हुआ है। उनके पति ने तो पत्नी की कटी हुई चोटी को अब तक संभाल कर रखा है। वजह कुछ भी समझ लीजिए, आप चाहें तो इसे प्रेमवती के साथ हुई इस खौफनाक घटना का सबूत भी मान सकते हैं। पूरा परिवार इस घटना से इतना डरा हुआ है कि प्रेमवती के पति को तांत्रिक की शरण में पहुंचना पड़ा। घर पर ही एक तांत्रिक को बुलाया गया, अनुष्ठान हुआ और फिर तांत्रिक के कहने पर ही घर के दरवाजे पर प्याज को बांध दिया गया। साथ ही घर की सभी महिलाओं के बाजू पर तंत्र मंत्र के ताबीज बांध दिए गए। हाँ, अब सब भयभीत है साहब। मैं बताऊं तो मैं, हमने भगत सिंह पे सबने के भी बंधवाए, मैंने भी कहूँ ऐसा नो, हमने बाहर वो भी लटकाई है। जैसे ही बाहर से आए, एक प्याज है, एक लहसुन है, वो सुई में धागे में बांध करके बाहर गेट पर लटका हुआ है। जो मैंने गेट, मैं बताऊं आप, नहीं हमारे आज तक कोई ऐसी वो सुनी नहीं है फुआ, मैंने वो हकीकत है गई सब। मास्टर साहब की हालत ये है कि उन्हें चोटी काटने वाली चुड़ैल की दहशत से निजात पाने के लिए जो भी टोटका बताया जाता है वो फौरन उस टोटके को आजमा लेते हैं। आधी रात के वक्त की गई एबीपी न्यूज के इस पड़ताल में एक बात तो साफ हो गई कि प्रेमवती के बाल तो कटे हैं, लेकिन ये बाल किसने काटे, कैसे काटे, ये कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत में है। देखो साहब, दहशत में गांव और सब भीतर सो रहे हैं। पहले बाहर सोते थे और जनानी तो बिल्कुल भीतर सो रही है। यह माहौल देखे, शांत वातावरण था, परंतु अब ज्यादातर तो लेडीज और बच्चों की ज्यादा जो चोटी रख रही है उनकी ज्यादा दहशत घुसी हुई है। हैरत की बात है कि चोटी काटने वाली जिस चुड़ैल की वजह से लोग डरे हुए हैं उसे देखा किसी ने नहीं है, फिर भी उसके किस्से पूरे गांव में लोगों की जुबान पर है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर भी वो चुड़ैल और गुमनाम सायों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। कोई भी अपने डर का सही इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके का डर महिलाओं में, किसी गांव विशेष में अगर डर बैठ जाए कि उनकी चोटी कोई रात को ना काट ले, तो जाहिर सी बात है उनके लिए घर के अंदर दुबक के एक तरीके से सोना ही मजबूरी हो जाती है। जो कि गांव इस तरीके का खुला माहौल हो जहां पर किसी तरीके की कोई पहले अप्रिय